दोस्तों और मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सब। हम आज बात कर रहे हैं ट्वेल्थ का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आपको बता होगा कंटिन्यू इसमें हम पढ़ रहे हैं, तो ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। इसमें हम देखते रहे हैं कांग्रेस प्रणाली में हम यहाँ पे देखेंगे इसकी चुनौतियाँ और कैसे कांग्रेस ने शुरुआती दौर में जो चुनौतियाँ थी उसको निपटते हुए वापस पुनः स्थापना की, ठीक है। तो ये टॉपिक कल ऑनलाइन हुआ था बट किसी टेक्निकल वजह से इसका लाइव नहीं हो पाया, तो ये वापस आपको अभी मिल रहा है। तो देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो ट्वेल्थ बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा ना, तो उसमें इस लेसन से श्योरली प्रश्न आते हैं, क्योंकि हर लेसन इंपॉर्टेंट है। तो ये लेसन हम इसको बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे और जहाँ तक संभव हो वो सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जाएगी जो एग्ज़ाम में आती है। तो इस वीडियोज़ को यानी इस लेसन से आपको अगर पूरे नंबर लाने हैं तो आपको पता होगा वीडियो देखना होगा। और इसमें जो मैं इंपॉर्टेंट नोट्स कराऊंगा ना, साथ साथ में आप नोट्स करिए। यानी इसका मीन्स ये है, जब भी आप ये वीडियो देखें अपने ट्वेल्थ के लिए या और भी कभी आप कोई भी पढ़ें, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप नोट करें, तो इसके लिए पेन और कॉपी हाथ में रखें। और बाकी आपके जो भी कमेंट हैं, जो भी चीज़ अगर नहीं दिक्कत या समझ नहीं आई है, तो निसंकोच आप कमेंट कीजिए, आपके जो डाउट हैं वो शेयर कीजिए। और आपको और कोई ऐसा टॉपिक समझ नहीं आया तो बिल्कुल आप उसके बारे में भी मुझे कह सकते हैं, आप हो सकता है आपके लिए नेक्स्ट ये वीडियो बन के आ जाए। तो फिलहाल हम इस पे आते हैं और ध्यान देना है कि कांग्रेस प्रणाली, जैसे आपको पता होगा शुरुआत में जब हमने इससे पहले लेसन देखा था तो एक दल के प्रभुत्व का दौर था। यानी अपनी आज़ादी के बाद जब पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था 1952, तब से लेकर 1967 तक केंद्र में सिर्फ कांग्रेस ही थी, राज्यों में भी लगभग सब जगह कांग्रेस की सरकार थी। तो ये जो दौर था इसको कहते हैं एकाधिकार या एक प्रधान दल की राजनीति, जैसे आपने लेसन में पढ़ा होगा पिछली बार। तो इस समय कांग्रेस ही प्रभावशाली पार्टी थी, और क्यों थी इसके मैंने काफ़ी प्रूफ यहाँ पे आपके लेसन बता दिए हैं। लेकिन इसके बाद शुरुआत होती है कांग्रेस के अंतर्गत काफ़ी समस्याएं आती है, जैसे यानी चैलेंजेस, कांग्रेस पार्टी टूट जाती हैं, उसके दल नेता बिखर जाते हैं, और किस तरह से यह टूटी हुई पार्टी वापस अपनी सर्वोच्चता कायम करती है। यानी जैसे हम मूवी में देखते हैं ना कि स्टार्टिंग में हीरो का इंट्रो होता है, फिर बाद बीच में ऐसी कंडीशन आती है कि हीरो की हालत ख़राब हो जाती है, फिर वह धीरे धीरे वापस जो सब कुछ हार जाता है या खोते हुए अंत में क्लाइमेक्स में वो विजय हो जाता है। तो वैसे ही ये स्टोरी है कांग्रेस की, कांग्रेस कैसे अपनी क्लाइमेक्स में ये एंट्री करता है, कैसे जीतता है वो हम देखेंगे। तो जैसे आपको पता होगा इस लेसन को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे साथ वापस दोहराइए और समझिए कि 1964 की बात है, जब नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है तब अब ये सवाल आता है, यानी नेक्स्ट पॉइंट बन जाता है उत्तराधिकारी की समस्या, ठीक है ना। यानी अब कांग्रेस का उत्तराधिकारी कौन होगा, कौन है जो कांग्रेस को संभाल पाएगा। यानी जितना प्रभाव और नेतृत्व नेहरू जी का था, इतना चमत्कारी नेतृत्व किसी का नहीं था, और नेहरू जी की बदौलत ही कांग्रेस ने वो तीनों आम चुनाव में जबरदस्त सफलता प्राप्त करी थी। तो अब नेहरू जी चले गए तो कौन नेतृत्व करेगा, तो इसकी विपक्ष पार्टियाँ अब मजा लेने वाली थी कि भाई कांग्रेस को कौन देखने वाला, अभी ये गिर जाएगी। तो इस दौर में काफ़ी विपक्ष पार्टियां हैं वह मौके का तलाश कर रही थी, और अब वो सोच रही थी अब कांग्रेस है वो एक ध्रुवीय दल नहीं रह पाएगा, क्योंकि अब इसको कौन चलाएगा। तभी उस दौर में एक लीडरशिप मिलते हैं जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। कांग्रेस के सामने ये विकल्प आता है जो बहुत ही अच्छा विकल्प होता है, कहते हैं ना कि चुनौती का सामना, और एक अच्छा ऑप्शन मिल गया लाल बहादुर शास्त्री। क्यों? क्योंकि नेहरू जी के समय के ही मंत्री रह चुके थे, विभिन्न पद पर रह चुके थे, और इनके कार्यों की वजह से ये नेहरू जी के सहयोग भी थे, नेहरू जी इन पर विश्वास भी करते थे, अंतिम समय भी नेहरू जी के साथ ही थे। और जब ये नेहरू जी के मंत्रिमंडल में रेलवे मंत्री थे, तो उन्होंने रेलवे दुर्घटना की पूरी नैतिक जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए पद भी त्याग कर दिया था, यानी काफ़ी कर्तव्यनिष्ठ थे। तो अब हुआ ये कि नेहरू जी के बाद कांग्रेस का विकल्प शास्त्री जी बने। तो फिर 1964 में नेहरू ने
कांग्रेस की बागडोर संभाली और पीएम बने, ठीक है ना। लेकिन ये ज़्यादा समय तक नहीं चल पाए, यानी नहीं रह सके, क्योंकि 1966 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद वापस संकट खड़ा हो गया। कौन सा संकट? ये वाला संकट वापस खड़ा हो गया कि अब वापस यही समस्या आ गई कि कौन कांग्रेस को आगे ले जाएगा, कांग्रेस को कौन ले जाएगा। क्यों? क्योंकि नेहरू जी के पास शास्त्री थे और शास्त्री जी लोकप्रिय थे, तो जब ये पीएम बनना चाह रहे तो कोई भी इसका विरोध नहीं किया था, यानी निर्विरोध बने थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये चले गए तो अब इसके बाद वापस उत्तराधिकारी की समस्या ज्यों की त्यों रह गई। कब? 1967 के बाद। अब कौन रहेगा? तब क्या होता है कि इस समय जब ये हम बात करें तो उस समय क्या होता है, आप ध्यान देंगे, शास्त्री जी के नेतृत्व मंत्रिमंडल के अंतर्गत अगर बात करें तो इंदिरा गांधी उनके मंत्रिमंडल में संसार विभाग में रही थी, और इंदिरा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रही थी, तो कुछ लोग कांग्रेस का भविष्य इंदिरा गांधी जी में देख रहे थे, और कुछ और जो लोग थे वो जैसे कि मोरारजी देसाई वगैरह हैं, वह पार्टी को अपने स्तर पर ले जाना चाहते थे। तो इस दौरान आप ध्यान रखना, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है, तो इस दौरान अब इसके बाद शास्त्री जी के बाद जो नेतृत्व है वो आता है इंदिरा गांधी के हाथों में। इंदिरा गांधी ये कांग्रेस को अपने हाथों में लेती हैं, और मध्यवर्ती चुनाव तो जैसे तैसे जीत जाते हैं। लेकिन 1967 से ध्यान रखना, 1967 में जो चुनाव होता है ना, ये आपके प्रश्न हैं इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना। 1967 के चुनाव में क्या होता है कि कांग्रेस में आपस में ही गतिरोध विरोध हो जाता है, आपस में कांग्रेस के विचारधारा यानी फूट निकल आती है, दूसरी पार्टियाँ इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए कांग्रेस धीरे धीरे इस समय कमज़ोर हो जाती है। जब 1967 में जब चुनाव होता है और चुनाव इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा जाता है, ध्यान रखिएगा, चुनाव इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा जाता है। और अब इंदिरा गांधी कांग्रेस का नेतृत्व कैसे प्राप्त करती है, तो इसमें ध्यान रखिए, कांग्रेस में आपस में दो गुट बन जाते हैं, ठीक है। एक तो होता है ओ, एक होता है आर। तो क्या होता है कि कांग्रेस के कुछ प्रभावशाली नेता, बड़े नेता, कांग्रेस को अपने अंतर्गत रखना चाहते थे, वो कांग्रेस को अपने नेतृत्व, जैसे मोरारजी देसाई खुद पीएम बन के इस पार्टी को आगे ले जाना चाहते थे, तो इस तरह से ये वापस किसी के कंट्रोल में रह सकती थी। तो फिर कांग्रेस के जो बाकी नेता थे ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि इंदिरा गांधी जी नए हैं, इनको इतनी समझ नहीं, हम ऐसा करते हैं इंदिरा गांधी को अपना दावेदार बना देते हैं, क्योंकि ये जानकार तो है नहीं इतना, तो क्या करेंगे, इनको तो बना देंगे पीएम और हम पीछे काम करेंगे इनकी, यानी इनको कठपुतली बनाएंगे और हम पूरी तरह से सरकार चलाने के लिए इनको कहेंगे, ये होता है, ठीक है। फिर जब इलेक्शन होता है और इस तरह जब फूट होती है तो बाकी पार्टियों को भी मौका मिल जाता है, तो इसमें सशस्त्र के दौरान जब रिजल्ट आता है यानी परिणाम आता है चुनावों का, तब लगभग 9 ऐसे राज्य होते हैं जहां पर कांग्रेस नहीं होती, यानी गैर सरकार यानी गैर कांग्रेसी, हम कहेंगे गैर कांग्रेसी। तो आपके एग्जाम में ये प्रश्न या बुक में भी है कि कितने राज्यों में 1967 के चुनाव में गैर कांग्रेसी सरकार आती है, तो कब आती है, 9 राज्यों में आती है, ठीक है। फिलहाल तैसे तैसे करके ये साहब अपने कार्यकाल चलाते हैं। लेकिन इस दौरान क्या होता है कि पीएम है वह इंदिरा गांधी जी होती है, तो जिन लोगों ने ये सोच के पीएम बनाया था इंदिरा गांधी को कि भी इसको हम अपनी उंगली पे नचाएंगे, लेकिन इंदिरा गांधी जी का नेतृत्व काफ़ी प्रभावशाली होता है, उनका नेतृत्व, उनका लीडरशिप काफ़ी काबिले तारीफ होती है, तो धीरे धीरे ये पार्टी में अपनी छवि मजबूत बना देती है, तब जो दूसरे जिसने ये चाहा था कि कठपुतली बनेगी वे ठंगे से रह जाते हैं। और नेक्स्ट वापस चुनाव आता है, आप ध्यान रखना, क्योंकि ये जो चुनाव है वो चौथा आम चुनाव था, ठीक है। नेक्स्ट जो चुनाव आता है वह होता है 1976-71 का, जब चुनावी का दौर आता है, उस दौरान
कांग्रेस के तो वैसे ही टुकड़े हो जाते हैं, तो कांग्रेस ओ के आर के साथ होती है इंदिरा गांधी। कौन होती है? इंदिरा गांधी। इनके साथ वही बड़े नेता जो हम कह सकते हैं सिंडिकेट। प्रश्न आएगा सिंडिकेट किसे कहा गया है, तो सिंडिकेट ध्यान रखना कांग्रेस के दो विभाजन होने के बाद कांग्रेस के बड़े नेता प्रभावशाली नामचीन नेता अपना एक अलग से गुट बना लेते हैं। वे गुट पार्टी को क्या कहा गया? सिंडिकेट। क्या कहा गया? सिंडिकेट। ध्यान रखना कांग्रेस प्रणाली में सिंडिकेट किसे कहा जाता था? कांग्रेस प्रणाली में अंदर ही अंदर विभाजन हो गया था जिसमें एक प्रभावशाली प्रसिद्ध नेताओं का एक गुट बन गया था जिसे सिंडिकेट कहा जाता था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है सिंडिकेट। ठीक है, एक प्रभावशाली नेताओं का गुट सिंडिकेट। अब बारी आती है 1970-71 के चुनाव की। तब बहुत ही बड़ा एक घमासान होता है राजनीति में। होता यह है कि कांग्रेस के विपरीत जो उल्टी जो गैर कांग्रेसी पार्टियां होती है वह आपस में एक गठजोड़ बना देती है। क्या बना देती है? गठजोड़। यानी कैसे ना कैसे करके हमें कांग्रेस को बेदखल करना है। क्या करना है? कांग्रेस को बेदखल करना है। तो इस तरह से कांग्रेस में आपसी फूट का एक कारण ये भी होता है कि कांग्रेस एक तो कमज़ोर हो जाती है, ठीक है, और कांग्रेस के मध्य जो समस्या है वो विकराल रूप लेती है। तब बात आती है कि अब जब ये कांग्रेस जो बनी है इन कांग्रेस के मध्य जो समस्या है इस समस्या को कौन निपटेगा? क्योंकि जो हम अगर बात करें कुछ ऐसे राजनीतिक पार्टियां जो कांग्रेस को नहीं चाहती थी कि वह सरकार संभाले, तब दौर समस्या खड़ी हो जाती कि अब कांग्रेस को आगे ले जाने की इंदिरा गांधी है, क्या वो सफल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, सफल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो फिर नेक्स्ट चुनाव आता है ऐसे ही 1970-71 का जो चुनाव होता है, और उस चुनाव की अगर हम बात करें तो उस चुनाव में वापस कांग्रेस आर का नेतृत्व तो इंदिरा गांधी के पास होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो 1970-71 का जो चुनाव होता है उसका एक घटनाक्रम हम यहाँ पे देखेंगे। उससे पहले ध्यान रखना अगर एग्जाम में आ जाए गैर कांग्रेसवाद क्या है, तो ध्यान रखना विपक्षी पार्टियाँ, ठीक है, या जिसको हम कहेंगे कांग्रेस के अलावा सभी जो राजनीतिक पार्टीज होती है, ठीक है, राजनीतिक पार्टी, ये राजनीतिक पार्टियां क्या कहलाती है? गैर कांग्रेस। ठीक है, तो 1967 के समय गैर कांग्रेसवाद बहुत ज्यादा हुआ था क्योंकि कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टी आपस में मिल गई थी और हराना चाहती थी। तो 1967 के अंतर्गत क्या होता है, एक महागठबंधन बनता है, महागठबंधन, ठीक है, महागठबंधन जिसका नाम दिया था ग्रैंड अलायंस। यानी कांग्रेस के अलावा जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं, मान लीजिए 7 से 10 पार्टियां हैं, वह आपस में मिलकर एक गठबंधन बना देती है। गठबंधन कि हमें क्या करना है, हमें कांग्रेस को हराना है। तो जब 1970-71 में जब चुनाव होता है तब एक और तो होता है महागठबंधन कांग्रेस ओ, इस तरफ होता है कांग्रेस आर और इसका एक सहयोगी दल। तो जब टकरार होती है तो जो महागठबंधन होता है ना ग्रैंड अलायंस, वह एक नीति पे चलता है, वह कहता है इंदिरा हटाओ। क्या कहता है? इंदिरा हटाओ। ये नारे के साथ वह सरकार जीतने का सपना सोचता है और विपक्ष के वापस सभी जो दल है वो आपस में मिल जाते हैं और कांग्रेस और इंदिरा गांधी को हटाने के लिए नारेबाजी और चुनावी जीतने का सपना देखते हैं। और इसी तरह ये तो वैसे ही कांग्रेस आर से खपाती, तो ये भी इसका विरोध करते हुए खुद जीतना चाहती है। तो इस तरह से जबरदस्त लड़ाई होती है क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें तो कांग्रेस 1967 के चुनाव में काफ़ी राज्यों से अपनी सरकार खो चुकी थी। यानी कांग्रेस का नेतृत्व तो धीरे धीरे डल होता आया था और इधर वापस महागठबंधन बना, विपक्षी गठबंधन, यानी कांग्रेस के अलावा विपक्षी गठबंधन जो हराना चाहता था कांग्रेस को। अब
जब इलेक्शन होता है तो ये एक नारा लेके चलते हैं। इसी दौरान इंदिरा गांधी 1977-71 में एक नारा देती है, वह है गरीबी हटाओ। क्या नारा देती है? गरीबी हटाओ। और निम्न यानी जो कह सकते हैं कि वो ये ध्यान रखती है कि कैसे ना कैसे करके हम गरीबी हटाएंगे, प्रीवी पर्स को समाप्त करेंगे, भू सुधार करेंगे, ठीक है ना, काफ़ी चीज़ें यानी एक घोषणा पत्र लेके लग। लेकिन इसमें इंदिरा गांधी के द्वारा दिया हुआ ये नारा गरीबी हटाओ काफ़ी फेमस हो जाता है, क्योंकि इंदिरा हटाओ ये नेगेटिव पक्ष होता है और सभी लोग इसको इतना फॉलो नहीं करते, लेकिन गरीबी हटाओ नारा देते ही लोगों के मन में आ गए वास्तव में हमारी स्थिति खराब है और ये प्रधानमंत्री बनी तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। इस तरह से ये नारा हर गांव-गांव तक पहुंच जाता है और लोग काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाते हैं, नारे लोगों को आकर्षित करने के लिए होते हैं और ये काफ़ी हद तक सफल होता है। अब जब इलेक्शन होता है तो काफ़ी ज़ोर शोर से प्रचार होता है, ये अपने स्तर पर काफ़ी धरातल स्तर पर प्रचार करती है, ये भी अपने स्तर पर प्रचार करते हैं, यानी लड़ाई होती है यहाँ पे विलन और हीरो के मध्य, जैसे लड़ाई होती है ना वैसे लड़ाई होती है। अब जब लड़ाई होती है तब चुनाव हो जाता है और जब आता है रिजल्ट, क्या आता है रिजल्ट, तब पानी का पानी मतलब दूध और पानी पता लग जाता है कि किस में कितना दम है। तो अब जब से इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जब हम बात करें ये व्यवस्था जब आ जाती है तब कौन सी पार्टी चुनाव जीतती है, कौन सी पार्टी चुनाव जीतती है, तो आप ध्यान रखना कि कांग्रेस है ओ, कांग्रेस ओ है वो पार्टी हार जाती है और कांग्रेस आर चुनाव जीत जाती है और जितनी इतनी ज़बरदस्त सीटें जीतती है कि जितना खुद नेहरू जी ने भी प्राप्त नहीं की थी, इतनी सीटों के साथ कांग्रेस से अपनी सीटें जीत जाती है, यानी टोटल 375 सीटें कांग्रेस के हाथों में आती है। मतलब अगर हम कहें ना, अगर हम कहें कि फर्स्ट नंबर पे कौन रहा, सेकंड पे कौन रहा, थर्ड पे कौन रहा, तो तीनों स्तर पर कांग्रेस ही विजयी होती है और कांग्रेस के इन ज़बरदस्त प्रयास के साथ ही क्या होती है, कांग्रेस वापस कमबैक करती है। क्या करती है? कमबैक, ये ध्यान रखना है। जैसे यह हार जाती है। अब एक प्रश्न और मेरे दिमाग में आया कि अगर पूछा जाए कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, कांग्रेस का विभाजन जैसे मैंने बताया था अभी जस्ट, कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस टुकड़ों में बढ़ गई थी 1967 में, किस में बढ़ गई थी, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर, दादा ये अपने मुरारजी देसाई और आर थी इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। तो इस चुनाव में कांग्रेस जो आर है वो जीत जाती है और ये इसको कांग्रेस को 375 सीटें मिलती है, कितनी 375 सीटें मिलती है। अब इसमें एक और पार्टी होती है, अगर पूछा जाए कि कौन सी पार्टी कांग्रेस के साथ थी, तो सीपीआई, इसमें सीपीआई सहयोग देती है। अगर सिर्फ अकेली कांग्रेस की अगर सीटों की हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है अकेली कांग्रेस ने जो सीटें है वो 352 जीती थी, कितनी। तो अब देखिए कांग्रेस का जो पहला आम चुनाव हुआ था ना 1952 में, उस समय कांग्रेस ने 367 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार इसने सहयोगी दलों के साथ मिलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, कांग्रेस ने आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा सीटें जीती। तो इस तरह से इंदिरा गांधी की कांग्रेस ने दूसरों को हराया नहीं, धूल चटा दी और कांग्रेस एकाधिक एक वापस नवी जबरदस्त पार्टी के रूप में भारत के राजनीतिक मंडल पर उभर के आई, जबरदस्त सीटें जीती। अब बात करें कि कांग्रेस आर ने कितनी सीटें जीती, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना सिर्फ 16, कितनी, कांग्रेस ओ ने 16 सीटें जीती और महागठबंधन जो सभी विपक्षी दल आपस में मिलकर एक गठबंधन बनाया था कि हम इंदिरा को हटाएंगे, ऐसा करके एक महागठबंधन बना था, इस गठबंधन को कितनी सीटें मिली, तो ध्यान रखना महागठबंधन को 40 सीटें मिली, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पर यही थी, कोई सामने नहीं टिका। तो इस तरह से कांग्रेस ने अपनी खुद की पुनः स्थापना की, अपने आप को वापस काबिल किया और देश के राजनीतिक मंत्रिमंडल में जितनी भी चुनौतियाँ आई, जितने भी चैलेंज आए, सबको दूर करते हुए वापस कांग्रेस ने अपनी धाक जमाई, ठीक है। अब दो तीन इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आप यहाँ पे ध्यान रखिए, जैसे मैं अगर बताऊँ गठबंधन क्या है, प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया, गठबंधन क्या है, ठीक है,
गठबंधन। एक और चीज़ है, जब भी मैंने बात करी थी पीवी पर्स, तो पीवी पर्स का मतलब है कि जब राजा महाराजा राज करते थे तो उन्हें लोकतंत्र में लाना था, तो पहले ये व्यवस्था कर दी थी कि राजा अपने स्तर पे आप राज करते रहिए, आप जो विदेशी मामलों का जो मैटर होता है वो हमें भारत सरकार को यानी हमें दे दीजिए, इसके बदले आपको हर सालाना पेंशन दी जाएगी। तो ये होता था प्रिवी पर्स, राजा को पेंशन देना ताकि राजा अपने विदेशी मामले है वो भारत सरकार को सौंप दें। इंदिरा गांधी ने जब सरकार बनाई तो उन्होंने प्रिवी पर्स को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो लोगों को इनका ये काम अच्छा पसंद आया क्योंकि सभी बराबर होते हैं इस तरह से। ये प्रिवी गठबंधन, गठबंधन देखिए एक दो तरह के होते हैं, एक तो गठबंधन होता है, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एक गठबंधन होता है चुनाव से पहले, चुनाव से पहले कि भाई हम ऐसा करते हैं, हम कांग्रेस को हराना चाहते हैं तो हम चार पांच जो दल हैं आपस में मिल जाते हैं और साथ में चुनाव लड़ते हैं ताकि हम सभी मिलकर एक साथ सीट ज़्यादा आएगी तो कांग्रेस सरकार नहीं बना पाएगी, ठीक है। दूसरा गठबंधन होता है चुनाव के बाद। अभी चुनाव के बाद कैसे होता है, जैसे मैं बता दूं कि अगर कहीं 10 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है और पार्टी है ए बी सी और डी, ठीक है ना, अलग अलग पार्टियां हैं, इसको 3 मिल जाती है, इसको 4, 2 और 1, ऐसे पार्टियों को सीट मिलती है। तो अब जिस भी सरकार को, जिस भी पार्टी को सरकार बनानी है उसे एक बहुमत चाहिए। क्या चाहिए, सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए। बहुमत यानी आधे से एक अधिक, बहुमत का मतलब होता है कि टोटल जितनी सीट होती है ना उसका आधा एक अधिक कर दो। जैसे यहाँ पे बहुमत क्या होगा, 10 का आधा 5, एक जोड़ दो 6, यानी जिस पार्टी के पास 6 सीटें होगी वो सरकार बनाएगी। अब यहाँ पे तो कोई सरकार बनाने जैसा नहीं दिख रहा क्योंकि किसी के पास 6 सीट नहीं है। तो फिर क्या करते हैं, चुनाव रिजल्ट आने के बाद जैसे आप सोचते हैं कि क्या करें, तो ये पार्टी इसके साथ गठबंधन कर लेती है तो कितनी सीटें होगी, 7, तो सरकार बना सकती है। तो इस तरह से सरकार बनाते हैं। अब सरकार बनाना इसलिए होता है क्योंकि हमें गठबंधन और सरकार चला के लोकतंत्र चलाना है। तो अब सबको पता लग गया गठबंधन एक तो चुनाव से पहले होता है, एक चुनाव से बाद में होता है। गठबंधन क्यों करते हैं, क्योंकि एक अकेला दल है वो सरकार नहीं बना पाता, उसके पास सीट या बहुमत नहीं होता, तो वो दूसरी पार्टी के साथ गठजोड़ करके क्या करता है, चुनाव में आता है और मतलब सरकार बनाने में के काबिल हो जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, दल बदल क्या है, ये आपके प्रश्न आएगा, लास्ट पॉइंट है, इसके साथ ये वीडियो समाप्त भी हो जाएगा। गठबंधन हमने पढ़ लिया है, ठीक है, भारत की राज्य में दल दल बदल, तो ध्यान रखना दल बदल जो व्यवस्था है वह भारत की राजनीति या लोकतंत्र के लिए एक नुकसानदायक होता है। क्यों, जैसे दल बदल एक सिंपल अर्थ बताए, जैसे मान लीजिए मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से टिकट में खड़ा होता हूँ, चुनाव जीत जाता हूँ, फिर क्या करता हूँ, मैं ये पार्टी छोड़ के मैं बीजेपी या किसी और पार्टी में चला जाता हूँ, तो वहाँ से सीटें कम होगी और मैं इधर जाऊँगा तो वो सरकार गिर सकती है। मुश्किल से चुनाव होता है लेकिन कुछ सापलूसी नेताओं के द्वारा दल बदलने के कारण वो सरकार गिर जाती है, लोकतंत्र में वापस चुनाव करवाना पड़ता है, तो ये काफ़ी गंभीर समस्या हो जाती है बार बार चुनाव करवाना, क्योंकि लोग बेफालतू दल बदल लेते हैं। और दल बदलने से जैसे 5 सीटें थी, मतलब 6 सीटें थी, अब उसने एक अपना दल छोड़ के इधर आ गया तो वो 5 सीटें हो गया, 5 सीटें का कोई चुनाव जीत नहीं सकता या सरकार बना नहीं सकता, तो दल गिर जाता है, पार्टी गिर जाती है, सरकार गिर जाती है। इस तरह से भारत की राजनीति में दल बदल की व्यवस्था 1967 से शुरू होती है। जब ये कब होती है, इसका एक एग्जांपल बता देते हैं, हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा के अंदर 1967 के अंदर एक कांग्रेस का विधायक होता है, कांग्रेस विधायक जिसका नाम होता है गयाराम, क्या होता है गयाराम, वह कांग्रेस का विधायक होता है, यानी कांग्रेस की टिकट से चुनाव जीतता है और जीतने के बाद कुछ ही दिन बाद क्या कर देता है, वो अपनी पार्टी छोड़ देता है और डेमोक्रेटिक पार्टी में यानी कम्युनिस्ट पार्टी हम कहें कम्युनिस्ट पार्टी में चला जाता है। किस में चला जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी में, ठीक है। इस तरह से उसने अपना दल
बदल लिया। कौन गया? गया राम, पार्टी छोड़ के गया। जब पता लगा कि कौन गया है और वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस कमेटी की एक बैठक आयोजित की, तो उस समय क्या हुआ, ध्यान रखिए कि किसी ने पूछा कि सर अपने को कौन से विधायक है जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए। तो वीरेंद्र सिंह जी ने कहा कि हमारे जो गया राम जी थे वो गए, अब वापस आ गए। यानी उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी में गए तो 9 घंटे के अंदर ही अंदर वापस कांग्रेस में आ गए। तो उस समय एक चुटकुला फेमस हो गया, गया राम आया राम। गया राम आया राम राजनीति से क्या मतलब है, यानी दल बदल से संबंधित, समझ में आ गया। आया राम गया राम यानी वो पार्टी छोड़ के गया और पूछा कि कौन गया, तो क्या, तो गया राम गया था, अब तो आया राम है, मतलब आ गया है। तो इसी तरह के नेताओं के द्वारा राजनीति के अंदर दल बदल की शुरुआत होती है, दल बदलने से। तो इस तरह से सरकार गिर भी जाती है और लोकतंत्र के लिए दुष्प्रभाव भी है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आज का लेसन हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट किया है, काफ़ी कवर कर दिए सब चीज़ें, यानी सब इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको मैंने बता दिए। आपको समय निकाल के इस वीडियो को पूरा देखना है। कुछ भी समझ आइए तो आप, या मतलब नहीं समझ आया तो कमेंट कीजिए, समझ आया तो भी कमेंट कीजिए कि सर कितना अच्छा लगा। और जब मैंने इतना प्रयास किया है तो आपका एक प्रयास है कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। इसी तरह से नेक्स्ट अपने वीडियो में मिलेंगे दोबारा, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू।